उनकी लगन म्यूजिक के प्रति जो उनका प्यार है आज बॉलीवुड तक ये दस्तक दे रहे हैं, और मेरी पूरी मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी इनके बॉलीवुड के गाने भी आएंगे। ये मेरा मेरी उम्मीद भी है और मेरा ब्लेसिंग भी है आपके लिए। मैं चाहूँगा कि जो भी आगे आप काम करो वो हमेशा कामयाब हो, आपको बहुत कामयाब मिले। थैंक यू सो मच पाजी, थैंक यू पाजी जी। मैं सिर्फ इन्हीं से गल कहूँगा कि ये लाइन मैं पंजाबी में बोलूँगा जरूर कि मैं 3 साल या आई थिंक 4 साल पहले जब मैं इस लाइन में आया था बॉम्बे, जब मैं फर्स्ट टाइम आया था, तो अरविंदर पाजी थे जिन्होंने इतना सपोर्ट किया और आज आपके सामने बैठा हूँ मैं। जहाँ भी पहुँचा हूँ थोड़ा थोड़ा चल रहा हूँ, कोई बात नहीं, पहुँच जाएंगे मंजिल तक। और लेकिन ये बात है कि जब भी बॉम्बे आया हूँ अरविंदर पाजी का पूरा सपोर्ट रहा है, एंड ही इज़ लाइक माई फादर, ही इज़ लाइक माई बिग ब्रदर, और पाजी का सपोर्ट करते रहे हमेशा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलाको मासी की बात करें तो ये एक पंजाबी सॉन्ग है, और जैसे कि आपको नाम से थोड़ा सा आइडिया हो ही रहा होगा कि मतलब थोड़ा सा यूनिक सा नाम है ये। और हमारे पंजाबी में ना जब कोई बहुत एक तेज़ लड़की होती है तो उसको चलाको मासी कहते हैं, कभी ये बहुत तेज है, ये बिल्कुल चलाको मासी है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका नाम का मीनिंग बता देंगे क्या मतलब है इसका, और बाकी ये हमारी अपनी कंपनी है डॉस म्यूज़िक जिसके ऊपर लॉन्च होने जा रहा है, और आज आपके सामने इसका पोस्टर लॉन्च किया हमने, और बाकी बहुत ही जल्द आपको इसका गाने का जो पूरी वीडियो है वो आपको तकरीबन हर पंजाबी चैनल पे, क्यों भाजी, हर चैनल पे आपको देखने को मिलेगी। और इस गाने का म्यूज़िक दिया है हमारे कुंवर पाजी ने, कुंवर विर्क जी ने, और बाकी डॉस म्यूज़िक पे आ ही रही है। बैकग्राउंड सर ये बैकग्राउंड लाइक वही वो हो गया ना सेट, चंडीगढ़ में सेट लगे थे हमारे, 3 सेट लगे थे और बहुत ही अच्छा शूट हुआ, और बाकी उम्मीद करता हूँ कि गाना जो है बहुत अच्छा लगेगा आप सबको। जी गाने का थीम के सर किस तरह का चला था लड़की जी, ये सर ये बेसिकली सारी लड़कियाँ जो लड़कों को घुमाती हैं उनके ऊपर है, ये किसी एक लड़की के ऊपर नहीं है, ये सबके ऊपर ही है। वैसे क्यों? देखा जाए तो ये बहुत गलत कमेंट है। नहीं 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 ये गलत, ये गलत साथ में है नहीं 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 ये गलत, ये दो को छोड़ के बाकी ये दो को छोड़ के हाँ फिर ठीक है, जो यहाँ हमारी एमबीएस में बैठी है उन सबको छोड़ सामने वाली भी, उन सबको छोड़ सामने वाली साइड वाली सारी। हाँ जी नहीं बेसिकली ये क्या है, एक ये कोई नेगेटिव वो नहीं है, नेगेटिव वर्ड नहीं है ये, मतलब एक पंजाबी में जैसे मस्ती के लिए चलाको मासी। आई थिंक लड़कों को चलाने के लिए लड़कियों का चलाको मासी बनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नमिता जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया इसका। जी नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, दीप इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और उनसे झगड़े की तो कभी बात हो ही नहीं सकती, वो इतने अच्छे हैं आप देख रहे होंगे, हमेशा स्माइलिंग रहते हैं। और मतलब चलाको मासी इज जस्ट अ फ्रेज दैट इज यूज फॉर वुमेन, लाइक लड़कियों के लिए जिस तरह से उन्होंने बताया, बिकॉज जो लड़कियाँ होती हैं लड़कों को चलाने वाली उनको चलाको मासी कहा जाता है पंजाबी में बेसिकली। सो सिंस वी ऑल आर पंजाबी तो इन्होंने ये टाइटल सिलेक्ट किया टू जस्ट क्रिएट दैट लाइक दैट टिंट ऑफ charm or like fun for the girls, so there is no matter ki inse koi bhi ladai jhagda ho, so it's like all fun. Aur ye actually mujhe lagta hai ki actually ladki ko matlab praise karne wali baat hai, yes, chalako maasi matlab uski tareef hai wo, ha usko negative nahi bata sakte, chalako maasi matlab bahut hi jo होशियार खूबसूरत बड़ी अच्छी जो लड़की होती है, आपको पोस्टर में भी दिख ही रहा होगा ना कितनी खूबसूरत चलाक और होशियार लड़की दिख रही है वो। जी मतलब भोंदू नहीं होती लड़की वो, उस तरह लड़कियां वैसे भी भोंदू होती नहीं है, ले सकते बिल्कुल। ये वीडियो में ये सब दर्शाया गया है जी, बिल्कुल दर्शाया गया जी वीडियो में, वीडियो में हमने बल्कि इससे और एक स्टेप आगे बढ़ के दर्शाने की कोशिश करी है। बाकी थोड़ा बताओ एक कोई इंसिडेंट वीडियो में कोई ऐसा नहीं, वीडियो नहीं, वीडियो इज लाइक के भाई एक यार वीडियो में बता दिया तो फुल ऑन मस्ती है, फुल ऑन मस्ती है, बहुत अच्छी वीडियो है, फुल ऑन मस्ती है, बहुत अच्छे ग्लैमरस वीडियो आप कह सकते हैं इसको, कि ग्लैमरस वीडियो है। और बाकी सब ने बहुत अच्छा काम किया है, हमारे डायरेक्टर साहब आशीष राय उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बाकी वीडियो देखने के बाद आप सब बता ही देंगे कैसी लगी वीडियो। सेट पे सर बहुत अच्छा माहौल था, हमारे जो भाई है कुंवर विर्क जिन्होंने इसका म्यूज़िक दिया है, बीच में रैप भी दिया है, तो वो बहुत ही जॉली नेचर के इंसान है, और मतलब वो जब भी सेट पे होते हैं तो एक बहुत अच्छा सा माहौल बना होता है, और बाकी सेट पे बहुत अच्छा माहौल था, बहुत हमने खाया पिया एंजॉय किया, और कब शूट हो गया हमें पता नहीं लगा, और वैसे भी पंजाब की धरती है आपको पता ही ऐसी है कि भाई वहाँ पे तो खाने पीने के सब शौकीन होते हैं, तो हमने खुल के खाया,
खुल के जम के खाया पिया और मतलब बढ़िया से शूट किया हमने, काम भी पूरा किया, काम भी पूरा किया, काम के साथ खाया, स्पेशली सुबह उठते के साथ दीप ने परांठे खाए, उसके बाद लस्सी पिया, फिर उसके बाद है ना परांठे लस्सी खा के फिर वो सेट का माहौल बनता था कि दीप शूट शुरू करते थे, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही कही, बिल्कुल बिल्कुल। यार बीइंग विमेन लाइक इन दिस इंडस्ट्री, मुझे लगता है हम लोग को डाइट पे थोड़ा रहना पड़ता है, लेकिन अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो आई एम वेरी फूडी, तो मैं तो जानी जाती हूँ फूड शोज, ट्रैवल शोज होस्ट करने के लिए, तो मुझे पर्सनली पंजाबी खाना मुझे लगता है इज द वेरी रिच फूड, तो आप देख के बिल्कुल रिजिस्ट नहीं कर सकते खुद को कि आप बिना खाए रह जाओ। आई होप आप लोग भी पंजाब तो गए होंगे कभी ना कभी, तो आप लोग ने पंजाब का फूड कितना टेस्ट किया? अच्छा लगता है पंजाबी परांठे, लस्सी, दही, शही, मक्खन ते अचार, फिर हो जाए नाल चाह ते ऑल, है ना? तो बस फिर सरों दा साग ते मक्की दी रोटी, वो बन गई गल, है ना? उसके बिना आई थिंक पंजाब याद आ, पंजाब जाने का मजा नहीं होता अगर आप खाओ पियो और ऐश न करो, राइट? कई सारे गाने भी होने वाले से आप, हमने सुना जो भाई कह रहे थे कि आपने 250 गाने भी भेजे, जी नहीं नहीं सर, मैं 250 नहीं है सर, ये 25-30 गाने हैं हमारे, अगर थोड़ा सा, हाँ इतने नहीं गाए मैंने, जीरो आगे, एक जीरो आगे हो गया। दीप का एक तो 1000 गानों का नहीं, ये आप चलो नमिता जी ने बोल दिया तो मान सकते हैं, बाकी 25-30 गाने अभी, आई थिंक ये हमारा जो है वो आई थिंक 31st सॉन्ग है ये, और गाने सारे जितने मैंने अब तक गाए हैं वो तकरीबन रोमांटिक या फिर सैड रोमांटिक कह सकते हैं, सैड रोमांटिक वर्ड होता ना, हाँ बस इसी टाइप से हैं गाने सारे हमारे। पर मैं कहना चाहूँगा कि अब तक जितने भी गाने गाए हैं और जितने वीडियो बने हैं सब ए क्लास थे, मैंने जितने भी देखे हैं वीडियो, तो उस काम के बारे में मुझे लगता नहीं कभी कंप्रोमाइज की है डॉस म्यूज़िक ने, और आगे भी जो म्यूज़िक आने वाला है, और बहुत ही क्योंकि इतना कंपटीशन है उसमें, अगर आप 30 वीडियो बना रहे हैं तो इसका मतलब आप में क्वालिटी है, तो इतने वीडियो बनाएं और वो चले भी हैं, और मुझे उम्मीद है कि आगे और आपके 250 वीडियो बहुत जल्दी पूरे होंगे। क्या बात है, क्या बात है, ये बात तो वैसे इस बात पे तालियां बजती है। हाँ डॉस म्यूजिक एक्चुअली क्या है, मेरा भाई है ना छोटा, मुझे अभी चांस दे नहीं रहा बोलता पहले मैं 50 गाने गाऊंगा फिर उसके बाद मेरा नहीं, अरविंदर जी की बात मैं आपको बात करूं तो अरविंदर जी इतने बड़े आर्टिस्ट हैं कि अभी मैं उतना बड़ा बना ही नहीं कि मैं इनको चांस दे सकूं, इन्होंने बहुत लोगों को चांस दिया है, मतलब मेरी तो कोई औकात नहीं इनके सामने कि भाई कि मैं इनको चांस दे सकूं, बाकी हाँ मेरी कोशिश जरूर रहती है कि इनके साथ काम करना है, बाकी कब ये मौका देते हैं ये तो आपके सामने ही, आप नहीं पूछ सकते। ये कंपनी एक्चुअली आप समझ सकते मेरी अपनी है, तो मुझे जब चाहिए होगा मैं चांस खुद ही ले लूंगा, पूछूंगा नहीं मैं। ये बात सही बोली आपने, ये बात सही बोली जी। सर ये ऐसा है ना कि मैंने जैसे आपको मैंने पहले बताया कि पहले सारे सैड सॉन्ग और रोमांटिक टाइप के सॉन्ग्स हमने किए थे, तो हमारे पास कुछ 3-4 ऑप्शंस आए थे, तो जिसमें से ये गाना मेरे अच्छा लगा, और ये जो वर्ड है ये इस गाने में से ही निकला है, तो ये जब हमने वीडियो बनाई तो हमने इस गाने के नाम के ऊपर बहुत सर्च किया, क्यों भाई कि भाई इसका नाम क्या होना चाहिए, नाम के लिए बहुत कंफ्यूज थे, लेकिन जब बाद में देखा गया तो भाई उस गाने के अंदर इतना बढ़िया नाम था जो कहीं पे है नहीं, आप अगर YouTube पे सर्च करेंगे तो चलाको मासी के नाम से कोई गाना नहीं है, दिस इज द फर्स्ट एवर सॉन्ग, और ये आई थिंक नाम भी आई थिंक पहली बार ही आ रहा है। बचपन में हम लोग सुनते थे जो बड़े बूढ़े बड़े बुजुर्ग जो बोलते थे लड़कियों को, मतलब अगर शैतानी करते थे या कुछ करते, माय ग्रैंडमॉम यूज्ड टू कॉल मी चलाको मासी, थोड़ी सी आपके सामने, हां बिल्कुल। बिल्कुल प्रेशर नहीं सर, बिल्कुल प्रेशर नहीं, प्रेशर लेके काम करेंगे सर काम ही नहीं कर पाएंगे, आज अगर मैं जब भी जितना भी थोड़ा सा मैं पहुंचा हूं यहां तक, तो अगर प्रेशर रखेंगे तो काम कर ही नहीं पाएंगे, हर बंदे का अपना अपना लेवल है काम करने का, कोई 10 लाख वाली वीडियो बनाता है, कोई 1 करोड़ वाली बनाता है, तो हमारी जितनी हमारी जो हैसियत है उस हिसाब से वीडियो बना रहे हैं और दर्शक पसंद कर रहे हैं, तो प्रेशर लेके तो कभी काम किया ही नहीं और ना ही कभी करेंगे, तो प्रेशर तो आई थिंक लेना चाहिए। हाँ जी आप बताइए किस प्रकार से जुड़ी हैं आप? सो मैं इनके साथ बहुत टाइम से जुड़ी हुई हूँ, कास्टिंग से रिलेटेड हूँ, काफ़ी टाइम से मैं उनके साथ प्रोडक्शन में भी काम कर रही हूँ। इस गाने में हमारा एक अलग ही रोल है क्योंकि मैं इस गाने में इनको मैनेज कर रही हूँ, इनके कॉस्ट्यूम्स, इनकी शूट डेट्स, इनका शूट सेटअप, हर चीज़ में एक बैक सपोर्ट की तरह रही हूँ।
सो मेरा रोल एक बहुत ओपन एंड पे चलता है, जहाँ मैं डायरेक्टर को भी हेल्प कर देती हूँ, मैं प्रोडक्शन को भी हेल्प कर देती हूँ, मैं आर्टिस्ट को भी हेल्प कर देती हूँ। तो बस उसी तरह से एक दोस्त के नाते जुड़ी हूँ और आगे भी जुड़े रहेंगे। ऐसे ही काफ़ी सारे गाने करने हैं आगे, प्रोडक्शन लेवल पे, डायरेक्शन लेवल पे, देखते हैं सर हमें कहाँ कैसे मौका मिलेगा। सही है, सही है, ये सही है, ये मतलब सही बात है। शी इज एन ऑलराउंडर। या शी इज एन ऑलराउंडर, बिल्कुल 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 बिल्कुल। सर हिंदी में भी गाना गाने के लिए सर कह रहे थे कि आप बॉलीवुड में, हाँ इसके बारे में सर यही बताएंगे। ये एक्चुअली मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे पहले से ही बहुत सालों से जब से अपना म्यूज़िक इंडस्ट्री बॉलीवुड में म्यूज़िक शुरू हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो पंजाबी म्यूज़िक है उसका पूरा मतलब हाथ रहा है। तो पहले तो समझो 50% होता था, अभी 100% हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी म्यूज़िक हिंदुस्तान में या वर्ल्ड में बिना पंजाबी या पंजाबी सिंगर के कंप्लीट होता है। तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि दीप के जो चांसेस है बहुत ब्राइट हैं। बॉलीवुड में बहुत जल्दी उनको ब्रेक मिलने वाला है और बहुत अच्छा ये गाना गाएंगे, और ये मेरी उम्मीद है और ऐसा होने वाला है बहुत जल्दी। वैसे इस बात के ऊपर तो मैं एक बात करनी चाहूँगा कि अरविंदर पाजी ने जिसके बारे में ये बात बोली और वो सच हुई है, और आज शायद इनके मुंह से निकल गई ये बात, तो शायद बहुत जल्दी पाजी पूरी भी हो जाए। हाँ जी, तो जिनके लिए कही थी पूरी, उनका नाम लेने की जरूरत नहीं। उनका नाम आप लोग सब जानते हैं, हम बोल नहीं सकते नाम। बाकी अरविंदर जी मतलब वो कहते हैं कि दूसरों के लिए तो एक जैसे कहते हैं ना, एक आशीर्वाद बन के आए हैं हमारे लिए पाजी। जब भी मतलब हमने इनको बुलाया और पाजी आए, और हमेशा से उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। वरदान इसी गाने दी। हाँ तो उन्हें अब तो रिवील मतलब पोस्टर हुआ तो। विच वन इज योर फेवरेट ट्रैक वैसे? मैं हाँ, विच वन इज माइन, मेरा एक वादे, मेरे बहुत अच्छा प्यारा गाना था वादे की। मैं दो लाइनें आपको सुना देता हूँ अगर आपको वैसे तो माइक में दो। हाँ माइक दो, ये तो माइक में हो सकता है। इसमें आ जाएगा, ओके, इनको इफेक्ट नहीं मिलेगा। हाँ यार फील नहीं आती, पकड़ा दो, फील नहीं आएगी, फील नहीं आएगी। कितना देखना, फिर एक की बजाय दो लाइनें गाएंगे। हेलो, हाँ जी, है ना, हाँ अब थोड़ी सी फील आ रही है मतलब पकड़ने के, पहले थोड़ा सा फीका फीका चल रहा था। सिंगर वाली फील। ये भी हमने गाना किया था पहले वादे, उस गाने का नाम था इट्स अ सैड रोमांटिक, जैसे मैंने भी आपको बताया, तो इस तरीके से था। हो तेरे वादे नालो चंगे तेरे लारे ने, क्यों उम्मीद नहीं कर दे अरे पूरे होने दी। हो तेरे वादे नालो चंगे तेरे लारे ने, क्यों उम्मीद नहीं कर दे अरे पूरे होने दी। होवे तू जितने दी गल कर दे दिल किन्ने हारे मैं, क्यों उम्मीद नहीं कर दे अरे पूरे होने दी, क्यों उम्मीद नहीं कर दे अरे पूरे होने दी। चलाको मासी की दो लाइनें, चलाको मासी थोड़ा हो सकता है। चलाको कितनी कभी रिलीज हो रहा है? ये 6-7 दिन में रिलीज हो रहा है, कभी सुन लीजिएगा, मैं इसका भी डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ। चलाको मासी तो भाई यही तो सारे क्रेज पे, ये कहाँ पे जाके चलाको मासी आते हैं ये आप सुनिएगा जरूर। हमारे बीच को बोल रहे हैं यार मित्र, ये फिल्म इसके अलावा सर अभी हमने एक एल्बम लॉन्च करी थी जिसका नाम था इंटेंस। ये इस इंटेंस जो एल्बम का 7वां गाना है, जिसमें 9 गाने थे। इसके बाद अभी 2 और आने, और उसके बाद हमारी 2 एल्बम्स और भी हमने लाइनअप कर रखी हैं,
तो वो नाम से भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, अभी फाइनल नहीं है उसके। तो वो जैसे आपको देखेंगे कि आप आने वाले 6 महीने में काफ़ी गाने जो हैं वो डॉस म्यूज़िक पे आपके दीप ओसान के भी हैं और बाकी और सिंगर्स के भी हैं, काफ़ी और अच्छे अच्छे सिंगर्स के भी साथ आ रहे हैं गाने। और एक हमारे बीच में सिंगर बैठे हैं अरविंदर जी, शायद इनका भी गाना हो उसमें। हाँ जी जी जी, आपसे पूछ रहा हूं कि जाते थे ऑडियंस को क्या मैसेज दे रहे हो? ऑडियंस को पाजी बस यही कहना चाहूंगा कि बहुत के गाने देखें और क्या नहीं, गानों के लिए तो है चलो, बाकी काफी मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी बहुत कुछ लग रहा है मेहनत के अलावा भी। तो प्लीज़ गाने को देखा कीजिए और हमारा जो डॉस म्यूज़िक का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे ज़रूरी बात आप सबको मीडिया के बीच में कहना चाहूँगा, जो इस मेरे इस डॉस म्यूज़िक के बीच में जो पार्टनर हैं, मेरा नाम दीप ओसान। अच्छा, आप सबको मैं बता देता हूँ कि डॉस म्यूज़िक का मतलब क्या है। मेरा नाम है दीप ओसान और मेरे फ्रेंड हैं जिनका नाम है सरफराज शेख। सो DOSS इसका बल्कि बनता है डॉस म्यूज़िक। सो मैं और मेरे भाई जो हैं जो कि दुबई में रहते हैं, बहुत अच्छे हमें सपोर्ट करते हैं और ही इज़ लाइक मतलब क्या कहते हैं उस वर्ड को पाजी, पिलर, ही इज़ लाइक अ पिलर फॉर मी एंड माय कंपनी। और उनका बहुत सपोर्ट है और ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर ये वर्ड मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था, ये महंगी इंग्लिश है ना, ये महंगे लोग ही बोल सकते हैं, हमें नहीं आती। तो बाकी उनका बहुत सपोर्ट है, ही इज़ अ प्रोड्यूसर ऑल्सो इन माई ऑल एल्बम्स इन माई ऑल सॉन्ग्स। तो बाकी देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ अरे पाजी से गाना ना सुने तो ऐसे नहीं हो सकता, अरे माइक दो यार पाजी के, लॉन्च इनका है। अरे नहीं 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 नहीं, ये तो चलेगा, दसवां सॉन्ग आपका ही तो है, दसवां सॉन्ग बिल्कुल। लेकिन मैं तो सोचे नहीं क्या गाऊं, अरे कुछ भी आ गया अगला आपका है ना, फेवरेट गाना है मेरा तो एक ही फेवरेट है, मैं जब भी देखता हूँ खूबसूरत चेहरा। अरे 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 ओ किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, ओ दिल कर देखदा रवां ओ किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, ओ दिल मुड़दा नी लख समझाया, दिल मुड़दा नी लख समझाया, ओ दिल कर देखदा रवां ओ किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, ओ दिल कर देखदा रवां ओ किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। क्या बात है, क्या बात है। सरगरे सदे सरगरे धसा, क्या बात है। वो कहते हैं ना कि सिंगर भी आगे जो माइक आ जाए तो थोड़ी सी 2 महीनों में नहीं घुस सकता। चलिए एक और ये बहुत मुश्किल से मिलते हैं इसलिए मैं कह रहा हूं, नहीं आपको तो आसानी से मिला। अरे जब तक है जी, ओहो जी भर के पी, क्या बात। जब तक है जी भर के पी, जब ना रहेगा जी तो कौन कहेगा पी, क्या बात है, क्या बात है। जब तक है जी, क्योंकि ये माहौल वही वाला है, पंजाबी ना बैठे की बात ना हो। शराब पीने से कुछ भी बुरा नहीं होता, शराब जो नहीं पीता खुदा नहीं होता। क्या बात। एक ही जगह मर के जाते हैं रिंद और जाहिद, वहां मुजरिम तो कोई देवता नहीं होता। क्या बात, क्या बात। इसलिए जब तक है जी जी भर के पी, जब तक है जी भर के पी, जब ना रहेगा जी तो कौन कहेगा पी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। दीप पाजी हैं, दीप ओसान जी। और एक दिन बैठा था मैं CCD 11 लाते कहीं बैठा था मैं, पाजी से वहाँ मुलाकात हो गई, उसके बाद से बस दोस्ती हो गई और ऐसी हुई कि यूँ समझ लो आधार कार्ड लिंक हो गया हमारा।
सही बात है, ओटीपी इनके नंबर पे जाता है। मैंने अपना ही नंबर दिया था इसलिए। और बड़े भाई की तरह हैं और इनका मतलब जितना इनके लिए बोलूँ कम है, इसलिए कम ही बोलूँगा, कम ही बोलूँगा। बस इतना ही प्यार बना रहे और किसी की नज़र ना लगे, ऐसे ही साथ में काम करते रहें। ये पंजाब से दिल्ली से गाने बनाते रहें, मैं बॉम्बे में इनके गाने फिल्मों में डलवाता रहूं। सही बात है। आई एम इनटू कास्टिंग, आई डू कास्टिंग फॉर फिल्म। थोड़ी सी बात में बहुत कुछ बोल गए। तो आप जरा उस चीज को थोड़ा गौर करके चलिएगा, अभी पाजी वाली जो बात थी वो शायद सच हो जाए। बिल्कुल 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 सर बिल्कुल। तो मैं फिल्म और टीवी सीरीज ये सब करता हूँ और बहुत ही जल्दी पाजी के बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने हमारी फिल्म्स में होने वाले हैं। और जो मैंने बात कही थी 250 गानों की, तो 250 नहीं उससे भी कहीं ज़्यादा गाने ट्रैक पे हैं और एक एक करके हर 15 दिन में 20 दिन में 30 दिन में आते रहेंगे डोज म्यूजिक पे। डोज म्यूजिक तो आप प्यार देते रहें। और पाजी जी सर आप कुछ बताएंगे सर, आप कुछ बताइए। नहीं नहीं आप कुछ बताइए ना, रॉकी मेन बंदा तो यही है। पूछो यार, पूछो करो सर, क्या कहेंगे गाना लॉन्च हुआ सर का? गाना अब तक जितने भी इनके गाने आए हैं अभी, जैसे मोस्टली इनके आए हैं रोमांटिक बीट हो गया है ना, तो अगर आपने सुने हैं, अगर आप सुनेंगे आगे जाके, तो ज़्यादातर आपको रोमांटिक या फिर सैड कह सकते हो, तो ऐसे गाने सुनने को मिलेंगे। बट अगर इस गाने की बात करें, पोस्टर भी कैंट है पंजाबी ते म्यूजिक भी बहुत बढ़िया बनया था, ते कोवर वर्क पाजी का, उनका म्यूजिक है, उनके फीचरिंग है, उनका रैप है, तो गाना बहुत बढ़िया है। चलाको मासी ते बड़ी चलाकी नाल गाना बनाया इन्होंने। चलाको मासी एक्चुअली ये है, ऐसे गाना बनाया पता नहीं चला। तो ये तो जरूर आप एक बार, नहीं ये एक्चुअली वैसे ये बात सच है, मेरे को बहुत टाइम से बोलता था पाजी यार हमेशा सैड या रोमांटिक टाइप के सॉन्ग ही बन रहे हैं, कुछ इस टाइप का सॉन्ग होना चाहिए, थोड़ा सा क्लब टाइप का, पैपी नंबर का रील पंजाबी जी चकमा के अंदर, मतलब जिस पे रील अब बहुत बनेगी, रील बनेगी रील्स के लिए। पहली रील हमारे पाजी बनाएंगे, मैं बनाऊंगा।